तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 7 फरवरी 2020 के लिए 50 मार्क्स इंग्लिश का 25 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है, जो कि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टच हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव को करेंगे जिसमें यहाँ पे 15 ग्रामर सेक्शन का है और यहाँ पे 10 बुक का, ठीक है। तो इसलिए आराम से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि रीता इज अराइविंग, उसके बाद डैश दिया हुआ है 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट का ए हो जाएंगे जो कि एट हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ज़्यादातर आप लोगों को प्रीपोजिशन कंप्लीट नहीं है तो आप लोग ऐट मारिएगा, ठीक है। आप लोग को कुछ भी नहीं आ रहा तो ऐट ओ क्लॉक, क्योंकि टाइमिंग के साथ रहता तो यहाँ पे ऐट का यूज होता है, तो आप लोग ऐट लगाइएगा, ठीक है, टाइमिंग के साथ। तो इसलिए यहाँ पे ऐट हो जाएगा, ठीक है, रीता इज अराइविंग ऐट ओ क्लॉक, ठीक है, यानी रीता आ रही है सुबह 8 बजे, ठीक है। तो फर्स्ट का ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दो बोला जा रहा है कि आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी, उसके बाद डैश दिया हुआ है द मॉर्निंग, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन चूज करना है, तो दो का सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे जो कि इन द मॉर्निंग। और उसके बाद देखना है एट ओ क्लॉक के बाद ज्यादातर यहाँ पे प्रीपोजिशन में इन का यूज होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इन वाले ज्यादा क्वेश्चन आता है, इन एट और उसके बाद इन और उसके बाद द, ये तीन ऑप्शन को आप लोग को केवल माना है प्रीपोजिशन में, नहीं आप लोग को आता है तो, यदि जो आप लोग प्रीपोजिशन पढ़े हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे दो का सही आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है, मुझे सुबह कॉफी पीना पसंद है, ठीक है, दो का सी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीन बोला जा रहा है कि वेयर सुधा व्हाट, उसके बाद दिया हुआ है सी डैश उसके बाद स्कूल, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, सुधा कहाँ है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे प्रीपोजिशन चूज करना है। तो यहाँ पे तीन का सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, एट हो जाएंगे, ठीक है, वेयर सुधा उसके बाद सी एट स्कूल, यानी कि सुधा कहाँ है तो वह स्कूल वह विद्यालय में है, तो यहाँ पे एट हो जाएंगे, एट स्कूल, ठीक है। इसलिए इन एट ये सब ज्यादातर के आप लोगों को प्रीपोजिशन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चार बोला जा रहा है कि डू यू वांट टू गो टू, उसके बाद डैश दिया हुआ है रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मीट, चूज द सुटेबल आर्टिकल यहाँ पे चूज करना है। तो चार का सही आंसर क्या हो जाएंगे, चार का सी हो जाएंगे जो कि यहाँ पे द यूज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जहां हम पहली बार मिले थे, तो यहाँ पे फोर का सही आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइव में बोला जा रहा है ही टीचेस इंग्लिश, चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस यहाँ पे चूज करना है, यानी वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो कि इंग्लिश इज ट्रूथ बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा सिखाया गया, ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है और उसके द्वारा सिखाया गया, तो फाइव का यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छः में बोला जा रहा है कि प्रेस्टिंस इज स्पोकन इज ब्रिजली, चूज द सुटेबल एक्टिव वॉइस यहाँ पे चूज करना है। तो छः का यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुर्तगाली ब्रिजाली में बोली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे छः का यहाँ पे डी हो जाएंगे, पीपल स्पीक पे परसेंटेज इन ब्रिजली, यानी कि ब्रिजली में लोग पुर्तगाली बोलते हैं, ठीक है, तो छः का डी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सात बोला जा रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को चूज करना है। तो सात का सही आंसर ए हो जाएंगे। आप लोगों को स्पेल्ट वर्ड दो को यहाँ पे मीनिंग दो यहाँ पे क्वेश्चन मीनिंग स्पेल्ट से जरूर आता है, ठीक है, तो आप लोग को ये सब पर ध्यान देना थोड़ा। सात पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट हो जाएंगे, जिसमें जिसके मतलब यहाँ पे मिस हो जाता है, ऑलमोस्ट मिस यहाँ पे लगभग हो जाते हैं, ठीक है, तो सात का ए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आठ बोला जा रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर, तो यहाँ पे आठ का सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है,
रिज्यूमबल हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को दो फ्रेज पढ़े होंगे तभी आप लोगों को यहाँ पे दो क्वेश्चन फ्रेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आठ का सही आंसर सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नौ में फिर यहाँ पे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज डू अवे विथ, तो यहाँ पे नौ का सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब आप लोग ये देखिए, यहाँ पे आप लोग फ्रेज नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को क्या करना है कि ज्यादातर फ्रेज वाले ऑप्शन जो दिया जाता है वो बी और सी में दिया जाता है, ठीक है। और तो आप लोग को ये कन्फ्यूजन है, आप लोग फ्रेज नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को क्या करना है, ज्यादातर यहाँ पे बी और सी मारना है, एक ऑप्शन वाले को नहीं मारना ए और डी को, क्योंकि ए और डी में फ्रेज का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, काफी बार यहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे बी या तो सी मारना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेज वाले क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टेन बोला जा रहा है कि यू आर ऑनेस्ट आई विल ट्रस्ट यू चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे दस का सही आंसर हो जाएगा, आप ईमानदार हैं मुझे आप पर भरोसा है, ठीक है। चूंकि आप ईमानदार हैं इसलिए मुझे आप पर भरोसा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, सिंस यू आर ऑनेस्ट आई विल ट्रस्ट यू, या इसलिए मुझे आप पर भरोसा है, चूंकि आप ईमानदार हैं इसलिए मुझे आप पर भरोसा है, ये इसका यहाँ पे हिंदी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 बोला जा रहा है कि यू डैश कम विथ अस इफ यू डोंट वॉन्ट टू चूज द सुटेबल ऑप्शन, यहाँ पे चूज करना है, तो यहाँ पे 11 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 11 का बी हो जाएंगे, ठीक है, मस्ट हो जाएंगे, यू मस्ट कम, तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा, यदि आप नहीं चाहते तो आप हमारे साथ आते, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बोला जा रहा है कि इफ रोहन डज दैट सुनीता डैश दिया हुआ है, चूज द सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, तो यहाँ पे 12 का सही आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है, बिल स्कीम हो जाएंगे, यानी कि इफ रोहन डज दैट सुनीता विल स्क्रीन, यानी कि 12 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, अगर रोहन खुराक है कि चौक जाएगा, तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 बोला जा रहा है, सी स्पोक चूज द सुटेबल ऑप्शन करना है, तो 13 का यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है, वी क्विट, यानी सी स्पोक वी क्विट, तो 13 का यहाँ पे हो जाएंगे, वह बोलती है, सी स्पीक वह बोलती है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वी सी स्पोक वी क्विट, यानी कि वह बोलती है, वह काफ़ी बोलती है, वी क्विट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन को चूज करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 बोला जा रहा है कि मैरी मेक डैश मिस्टेक चूज द सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कि केयरफुल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि मैनी मेक्स केयरफुल मिस्टेक, मेरी सावधान गलतियां करती है, ठीक है, तो यहाँ पे 14 का यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 बोला जा रहा है कि मोहन बाज, उसके बाद डैश हट दिया हुआ, इन ए कार एक्सीडेंट चूज द सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है, 15 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कि सीरियसली हो जाएंगे, यानी कि मोहन को कार दुर्घटना में गंभीर चोट लगी थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 10 यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो कि बुक से रहेगा, ठीक है। द वर्ल्ड हैज नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ए चेंज ऑफ बिकमिंग ए सिंगल होल ए यूनिटी इज फॉर्म, यानी कि इस प्रकार यह वाक्य की दुनिया में पहली बार एक एकल एक एकता बनने का मौका कैसे आया, तो यहाँ पे किस चीज़ से, तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कि आवर वन सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी अपनी सभ्यता से, ठीक है, तो 16 का ए हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि लेटर राइटिंग, यहाँ पे डेस स्ट्रोपेज, उसके बाद डैश दिया हुआ है, उसके बाद चूज द सुटेबल ऑप्शन, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो कि डिस्टेंस हो जाएंगे, यानी कि पत्र लेखन दूरी को नष्ट कर देता है, तो 17 का बी हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि गुड मैनर्स इज रिटेन बाई चूज द सुटेबल ऑप्शन, यानी गुड मैनर्स किसके द्वारा राइट किया गया, लिखा गया, तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर बात किया जाए तो डी हो जाएंगे, जो कि जेसी हिल के द्वारा यहाँ पे गुड मैनर्स लिखा गया है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में बोला जा रहा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री हु से दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी इंसफ्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू वीएट्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि रिडार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे बट एडुकेटेड इन, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे यहाँ पे रिडार्ड किपलिंग, तो इंग्लैंड से। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 21 में चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि एवरीवन सॉन्ग हैज बीन रिटेन बाई, तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर की अब बात किया जाए तो यहाँ पे एवरीवन सॉन्ग जो कि सरफेट सेशन के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि हु इज डेविड प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी डेविड कौन है प्राथमिक अच्छा का प्रभाव है। तो यहाँ पे 22 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, डोरा भी नहीं होगे, मिस बेट्सी भी नहीं, अग्नेज भी नहीं होगे। तो यहाँ पे 22 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, पीओटी हो जाएंगे। में बोला जा रहा है कि हाउ डेविड एंड अप एट मिस बेट्सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, यानी कैसे डेविड मिस बेट्सी पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे 23 की राइट आंसर की बात किया जाए तो 23 हो जाएंगे, 23 का यहाँ पे डी हो जाएंगे, जो कि ही रन्स अवे फॉर मिस्टर मेकावर्स, वह मिस्टर मेकावर्स के पास से भाग जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि मिस्टर विकफील्ड सफरस फॉर्म डैश दिया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। यानी कि 24 का राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉर्निक लाइनेस हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 में बोला जा रहा है कि हु बिंग्स टू कोट डेविड्स मदर, चूज द ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का चूज करना है, ठीक है। यानी डेविड का मदर कौन था, तो यहाँ पे मिस्टर मर्डस्टोन हो जाएंगे, तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीका से हम लोग यहाँ पे 7 फरवरी के लिए यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव को किए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है कमेंट करिए, मैं यहाँ पे जल्दी से इस चैनल पे अपलोड करूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।